नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आखिर जेल के अंदर आप कैसा खाना मिलता है, मतलब जो भी मुजरिम या कैदी है उसको मतलब कैसा खाना मिलेगा जेल के अंदर। अब तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा और आगे बिल्कुल खुल के और बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आखिर जेल के अंदर आप कैसा खाना मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको कि जेल के अंदर खाना मिलना एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिस राज्य में वो जेल है उसी राज्य के ऊपर मतलब वो जेल निर्भर करती है कि वो राज्य मतलब कैसा खाना प्रोवाइड करवाता है, मतलब कितना रुपया खर्च करता है जेल के अंदर खाने के ऊपर। तो जिस राज्य में जो जेल है उसी से मतलब वो फंड दिया जाता है खाने के लिए। तो कई राज्यों में तो ये मतलब अच्छा खाना मिलता है, कई राज्यों में मतलब ठीक खाना नहीं मिलता है, मतलब जितना वो स्टेट या राज्य जितना रुपया वो खर्च करता है जेल के ऊपर खाने के ऊपर, तो उतना ही अच्छा मतलब उनको खाना मिलता है, या फिर ज़्यादा रुपये खर्च नहीं करने पर मतलब थोड़ा ठीक खाना नहीं मिलता है। तो ये दोस्तों एक स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या राज्य गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि मतलब खाना एक लिमिट मिलता है, जैसे 4 रोटियां हैं, सब्जी हैं, साथ में मतलब चावल मिलते हैं, या फिर कभी सब्जी की जगह मतलब दाल मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों एक खाना हो गया जो लंच और डिनर दोनों में मिलता है, और नाश्ते में भी मतलब कभी चाय, बिस्कुट, पोहा वगैरह ये मिल जाता है, और मतलब ये नाश्ते की प्रक्रिया रहती है। तो ये एक लिमिटेड खाना मिलता है। तो कई कैदी क्या है कि बाहर से भी खाना मंगवाते हैं, अगर वहाँ पे उनके मतलब पूर्ति नहीं होती है तो बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, पर उसके लिए उसको मतलब विशेष परमिशन लेनी पड़ती है जेल अध्यक्ष से, जेल डिपार्टमेंट से, ऐसे ही वो खाना मंगवा सकता है बाहर से। तो इसके लिए मतलब वहाँ पे जेल में भी कई जेलों में अंदर मतलब वहाँ पे कैंटीन होती है, तो वहाँ से भी वो खाना ले सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मतलब वो घर से 2000 रुपये मंथली मंगवा सकता है, जैसे उसके पास में पैसे होते हैं तो उस पैसे से बाहर से खाना मंगवा सकता है, फिर जेल के अंदर जो कैंटीन होती है कई जेलों के अंदर वहाँ से वो खाना ले सकता है। तो उसको मतलब 2000 रुपये तक की छूट है कि वो 2000 रुपये तक मंगवा सकता है घर से। और वैसे उसको मतलब जो जेल के अंदर वो काम करता है, मतलब कैद के अंदर जो काम करता है, तो वहाँ पे भी उसको मतलब पैसे मिलते हैं, तो उससे भी वो खाना वगैरह ले सकता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है कि जेल के अंदर एक लिमिटेड खाना मिलता है, तो वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो मतलब ठीक ही खाना मिलता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा खाना प्रोवाइड करवाती है। तो अगर दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और कोई बात पूछनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। तो बस आज इतना ही, दीजिए इजाजत मुझे और आगे मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।